4.2.2 रुकने का ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ हॉल्ट्स। मान लो कि विद्यालय के रास्ते में अपूर्वा को किसी कारण से 4 मिनट चलने के बाद 4 मिनट रुकना पड़ा। उसके बाद वह एक समान गति से चलकर विद्यालय पहुंच गई। उसके विद्यालय पहुंचने तक की गति का ग्राफ चित्र 6 में दिखाया गया है। जब अपूर्वा पहले 4 मिनट के बाद रुकी तो वह 24 मीटर की दूरी तय कर चुकी थी। अब अगले 4 मिनट तक अपूर्वा रुकी रही है। इस दौरान समय तो बढ़कर 8 मिनट हो गया, पर उसके द्वारा तय की गई दूरी अभी भी 24 मीटर ही है। इसलिए ग्राफ पर अगला बिंदु 8 मिनट व 24 मीटर पर लगा। जब कोई भी वस्तु किसी स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है तो समय तो बीतता जाता है, परंतु दूरी नहीं बदलती है। इसलिए जैसा कि हमने अभी देखा कि रुके हुए हिस्से में ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो जाता है। अब चित्र 6 का ग्राफ देखकर बताएं कि किस प्रकार की गति में अपूर्वा की औसत चाल क्या थी। जब अपूर्वा बिना रुके स्कूल पहुंची तब उसकी औसत चाल क्या थी। ग्राफ चित्र 4 व सारणी क्रमांक 3 देखकर बताएं। इन दोनों औसत चालों में कितना अंतर है, इस अंतर का कारण बताएं। प्रश्न। अनामिका की यात्रा के आंकड़े सारणी क्रमांक 4 में दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अनामिका की गति का ग्राफ खींचें और उसकी औसत चाल ज्ञात करें। बताएं कि यात्रा के किस हिस्से में उसकी चाल सबसे अधिक रहेगी। क्या वह रास्ते में रुकी? यदि हाँ तो कितने समय के लिए?